साथियों, गीता में तामसिक, राजसिक और सात्विक तीन प्रवृत्तियों का वर्णन भगवान कृष्ण ने दिया है। यहां जब आप एक प्रकार से गीता से जुड़े हुए मर्मज्ञ लोग भी मेरे सामने हैं, आप सब जानते ही हैं कि गीता के 70वें अध्याय में इस पर कई श्लोक है। और मैंने अनुभव के हिसाब से अगर हम सरल भाव में इन तामसिक, राजसिक और सात्विक प्रवृत्तियों को कहें तो जो कुछ भी सबके पास है वो मेरा हो जाए, हमें मिल जाए, यही तामसिक प्रवृत्ति है। इसके कारण दुनिया में युद्ध होते हैं, अशांति होती है, षड्यंत्र होते हैं। जो मेरा है वो मेरे पास रहे, जो किसी और का वो उसका है, वो उसके उसी में वो अपना गुजारा करें, ये राजसिक यानी सामान्य दुनियावी सोच है। लेकिन जो मेरा है वो उतना ही सबका है, मेरा सब कुछ मानव मात्र का है, ये सात्विक प्रवृत्ति है। इसी सात्विक प्रवृत्ति पर भारत ने हमेशा से अपने मानवीय मूल्यों को आकार दिया है, समाज का मापदंड बनाया है। हमारे यहां परिवारों में भी बच्चों को भी सबसे पहले यही सिखाते हैं, कुछ भी मिले पहले सबको बांट दो, बाद में खुद रखो। मैं मेरा नहीं करते मिलकर चलते हैं। इन्हीं संस्कारों के कारण भारत ने कभी अपनी पूंजी को, अपने ज्ञान को आने और अपने आविष्कारों को केवल आर्थिक आधार पर नहीं देखा। हमारा गणित का ज्ञान हो, टेक्सटाइल हो, मेटलर्जी हो, जैसे कई प्रकार के व्यापारिक अनुभव हो या फिर आयुर्वेद का विज्ञान हो, हमने इन्हें मानवता की पूंजी माना। आयुर्वेद का विज्ञान तो उन युगों से मानवता की सेवा कर रहा है जब आधुनिक मेडिकल साइंस इस रूप में नहीं था। आज भी जब दुनिया एक बार फिर से हर्बल और नेचुरल की बात कर रही है, ट्रीटमेंट से पहले हीलिंग की ओर देख रही है, आज जब आयुर्वेद पर अलग अलग देशों में शोध हो रहे हैं तो भारत उसे प्रोत्साहित कर रहा है, अपनी मदद भी दे रहा है। अतीत में भी हमारे प्राचीन विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्र आए, विदेशी यात्री आए, हर किसी को हमने अपना ज्ञान विज्ञान पूरी उदारता से दिया। हमने जितनी ज्यादा प्रगति की उतना ही मानव मात्र की प्रगति के लिए और प्रयास हम करते रहे हैं। साथियों, हमारे यही संस्कार, हमारा यही इतिहास आज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के रूप में एक बार फिर जागृत हो रहा है। आज एक बार फिर भारत अपने सामर्थ्य को संवार रहा है ताकि वो पूरे विश्व की प्रगति को गति दे सके, मानवता की ओर ज्यादा सेवा कर सके। हाल के महीनों में दुनिया ने भारत के जिस योगदान को देखा है, आत्मनिर्भर भारत में वही योगदान और अधिक व्यापक रूप में दुनिया के काम आएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज देश को गीता के कर्मयोग की जरूरत है। सदियों के अंधकार से निकलकर एक नए भारत के सूर्योदय के लिए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हमें अपने कर्तव्यों को पहचानना भी, उनके लिए कृत संकल्प भी होना है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठत परंतप, अर्थात छोटी सोच, छोटे मन और आंतरिक कमजोरी को छोड़कर अब खड़े हो जाओ। भगवान कृष्ण ने उपदेश देते हुए गीता में अर्जुन को भारत कहकर संबोधित किया है। इसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। आज गीता का यह संबोधन हमारे भारत वर्ष के लिए है, 130 करोड़ भारतवासियों के लिए है। आज इस आह्वान के प्रति भी नई जागृति आ रही है। आज दुनिया भारत को एक नए नजरिए से देख रही है, एक नए सम्मान से देख रही है।
हमें इस बदलाव को भारत की आधुनिक पहचान, आधुनिक विज्ञान के शिखर तक लेकर जाना है।